वेलकम दोस्तों टू माय चैनल। आज हम निकल पड़े हैं गुवाहाटी महानगरी के और वादियों के बीच। थोड़े देर के ड्राइव के बाद हल्के हुए, फिर से आलमबार ने स्टेयरिंग संजुदा को थमा दिया। सॉरी फॉर माय हिंदी एक्चुअली। और पहुंच गए हम तिरुपति टर्मिनस गुवाहाटी। असम टूरिज्म शायद से होगा, इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट करके गुवाहाटी शहर के दो सोर, दो नदी के दो पार को कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर टिकट के लिए रुके और फिर ऐसे वेटिंग शेड पे वेट करना पड़ा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर लिफ्ट की सुविधा मिलती है, चौथी फ्लोर तक जाना है आपको, जो कि बहुत अच्छी है बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों जो छोटे बच्चे को लेके जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही आपकी सवारी आ जाती है उस पार ले जाने के लिए। बच्चों को थोड़ा सावधानी से रखें और आराम से जाएं। पहले उधर से आने वाले लोगों को निकलने दें, फिर आपकी बारी। ऊपर से गुवाहाटी बहुत सुंदर दिखता है। आई होप मुझे ज़्यादा तो वीडियोस मिला नहीं, मेरे पास सीखने थे और उसी से एक पास। हाँ, ये है वो कंट्रोलर पायलट यू में से, जो यहाँ से कंट्रोल करके आपको उस पार पहुँचाएगा। मुझे ये पता चला, ये दो गेट पे दो सिक्योरिटी गार्ड्स रह गए, उनके साथ थोड़ा ध्यान से बदतमीजी ना करें, वो अपना काम करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एक उस साइड से आ रही थी, जब कोई पोस्ट क्रॉस कर रहा होता है, जब उसके बीच में जो केबल्स के बीच में जो पोस्ट है उसमें थोड़ा जर्क होता है, लेकिन सेफ है। वो कितना सुंदर दिख रहा था, तो हमने उस साइड पे ध्यान दिया थोड़ा सा। इस जगह पे किसी असामिस म्यूज़िक वीडियो का शायद से मैंने वीडियो देखा था, जो लगा अभी मुझे देख के ये जगह हो सकता है। ऊपर से हर एक चीज़ सुंदर दिखता है। और ये तो समुंदर है, ये तो शायद ब्रह्मपुत्र है शायद से। हाँ, 15 मिनट की राइड है बोल सकते हैं राइड, और आपको ये पहुंचा देती है उस पार जहाँ आपको थोड़ी देर मौका दिया जाता है उस पार का मज़ा लेने का। टाइम इंटरवल्स रहते हैं टिकट्स में, तो कुछ तो है वो हमने पूछा नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ जाना नहीं था। हम बस उस पार गए, फिर नीचे गए थोड़ा बाहर कुछ सुट्टा उट्टा मारने। सारे फ्रेंड्स गए थे तो ऐसे ही अच्छा लगा। दिस वॉज इट। उतर के आना होता है, काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये रहा, ऐसा चाय वाय की दुकान मिलेगी। हम चाहे तो
नहीं पिए क्योंकि गर्मी थे, ऐसे ही कोई सुट्टा मार लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया बस। एंड फिर से आपको उस पार जाने का टर्न आ जाएगा आपका। आप ऐसा नहीं है कि टर्न आएगा, आप आओ थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर आना होता है, फिर आपको उसी टिकट से जा सकोगे आप। यहाँ थोड़ा देर, यहाँ पे भी थोड़ा देर बैठना पड़ता है, टर्न वाइज जाना वाइज क्यू, देयर इज अ क्यू एक्चुअली। एंड दीज आर द रोटेटर्स, ये है वो रोटेटर जहाँ पे मोटर्स लगे हुए हैं जिसके एक तरफ से खींचने से दूसरा आ रहा है, ऐसा कुछ है शायद ये टेक्निक। थोड़ा टाइम लगता है आने में, थोड़ा रुकना होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये लो आ गया हमारा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, ये थोड़ा मतलब अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा लग रहा था। समथिंग इज हैंगिंग अराउंड एंड यू आर कमिंग ऑन इट, वो काफ़ी थ्रिलिंग था, काफ़ी एक्साइटिंग था। तो आज का ब्लॉग में बस यही दिखाना था इसी जगह के बारे में, असम टूरिज्म शायद से बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट के लिए, अच्छी तरीके से कंप्लीट करके ऑन द वे है, दैट्स गुड, फील्स गुड, देश डेवलप कर रहे हैं। और फिर पार्किंग से गाड़ी भी निकाल लिए और आज का ब्लॉग भी एंड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।